हे साईनाथ, वेद भी जिसका वर्णन करते करते थक गए, अंत में उन्हें नेति नेति कहना पड़ा। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ईश्वर का गुणानुवाद इतना ही नहीं है, और भी है, और उसे पूर्णता व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। वही ईश्वर आप हैं, आप चलते फिरते ब्रह्मा हैं, आपके सुदृश्य और कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। आपने सगुण स्वरूप धारण कर इस धरा धाम पर अवतार लिया है। अक्सर संत महात्मा ईश्वर के रूप स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया करते हैं। आपके रूप स्वरूप एवं कार्यों के वर्णन में वे भी थक जाते हैं, संपूर्ण वर्णन वे भी नहीं कर पाते, और अपनी असमर्थता के कारण लज्जा एवं संकोच महसूस करते हैं। हे साईनाथ, आप सद्गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं, आपके महत्व का वर्णन कर पाना शब्दों की सामर्थ्य शक्ति से परे है। आप नदी की पवित्र धारा हैं, जो जगत के जीवन को निरंतर निर्मल कर रही है। आप ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। आप ईश्वर की अनुभूति और उनका साक्षात कराने में पूर्णता समर्थ हैं। यही कारण है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। शिरडी को अपना स्थायी विश्राम धाम बनाने वाले हे सद्गुरु साईनाथ, मैं इससे अधिक आपके संबंध में और क्या कहूं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं।